हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू वाचिंग इन पीपीआर एंड मिक्सर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो कैसियो का CTX 700 है और यामा का जो है कीबोर्ड। ये दोनों कीबोर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की है कि सर ये बताइए कि इन दोनों कीबोर्ड में से हम कौन सा लें, क्योंकि दोनों 10-12 हज़ार के रेंज में है ना। तो वही दोनों मैं कंपैरिजन करके आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से कौन सा कीबोर्ड अच्छा है, कौन सा आपको अच्छा है, और अपना सजेशन भी देने वाला हूँ कि आप कौन सा कीबोर्ड लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, कोई भी क्वेरी पर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम जो है तीन कीबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कैशियो का है, यानी दो कैशियो के हैं और एक यामा का है। जो कैशियो का 700 है, कैशियो का CTX 700 IN और कैशियो का 870 IN, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समथिंग 10 से 13 हज़ार की रेंज में दोनों कीबोर्ड आते हैं, और केवल इन दोनों का फ़र्क यही है कि इसमें जो 700 है इसमें केवल आपको पिच वेंडर नहीं मिलता है, और जो कैशियो का दूसरा वाला है 870 IN इसमें आपको पिच वेंडर मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ट्यून उतनी है, रिदम्स वही है, सारी चीज़ें सेम वही हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, केवल पिच वेंडर का डिफरेंस है। तो मैं आपको जो डिफरेंसेस बताने वाला हूँ दोनों के बीच, कैशियो का जो है कैशियो CTX 870 IN और दूसरा यामा का जो है यामा PSR E 363, यानी कि पी जो यामा का है यामा का PSR E 363। अब बात कर लेते हैं कीज़ की। तो दोनों में जो कीज़ हैं वो 61 कीज़ ही मिलेंगी, यानी 5 ऑक्टिव हैं और एक कीज़ में एक्स्ट्रा मिलती है। तो दोनों में जो कीज़ मिलती हैं दोनों में 61 कीज़ हैं, यामा में भी 61 है और कैशियो में भी 61 कीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं कीज़ की, कीज़ टाइप की कैसी हैं। तो जो आपको कैशियो में मिलती हैं वो जैसे बड़े बड़े ग्रैंड पियानो होते हैं नीचे से क्लोज, उनकी तरह देखने के लिए मिलती हैं। तो यामा में जो मिलेंगी वो आपको ओपन मिलेंगी, यानी नीचे से खुली हुई, और अगर बात करें कैशियो की तो कैशियो में नीचे से बंद मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं ये बैटरी से चलता है नहीं चलता है। तो दोनों जो है सेल से चलता है, यानी कि अगर आपके पास अगर लाइट का सिस्टम नहीं हो पा रहा है, आप कहीं बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, तो दोनों में बैटरीज डलती हैं, जो कि बैटरीज डाल करके आप चला सकते हैं यामा में भी और कैशियो में भी। अब बात करते हैं साइज़ की। तो दोनों का साइज़ समथिंग जो है, इसमें यामा का साइज़ जो थोड़ा बड़ा है और कैशियो का साइज़ जो है थोड़ा छोटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वजन की, किस में कितना ज़्यादा वजन है। और जो कैशियो का है, कैशियो में आपको मिलता है 4 किलोग्राम और 300 ग्राम, यानी 4 किलो 300 ग्राम है कैशियो के अंदर। बात करते हैं यामा की, तो यामा में 5 किलो 900 ग्राम, यानी समथिंग 6 किलो के लगभग, और इसमें अगर कैशियो की बात करें तो समथिंग 4.5 किलो के लगभग। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल रूप की, ओवर जो इसका ओवरऑल आता है। अब बात करते हैं साउंड की, साउंड किसका अच्छा है। देखिए दोस्तों, दोनों के साउंड अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कैशियो ने अपने एक नया सिस्टम निकाला है जो कि AIX साउंड सोर्स, और जो कि यामा में है, यामा में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई, जो उसके अंदर सिस्टम यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, वो जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन जो कैशियो का है वो न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि इसमें न्यू चिपसेट लगा है। तो ऑब्वियसली बात है कैशियो का साउंड उससे बेहतर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों, दोनों में USB पोर्ट दिए हुए हैं, जो कि अगर आप कैशियो की बात करें तो कैशियो में आपको MIDI मिलता है और यामा में भी दोनों में MIDI मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो USB MIDI है जो कि दोनों में कैशियो में भी है और यामा में भी है। तो दोस्तों बात करते हैं टोन्स की। तो जो कैशियो में आपको मिलती हैं 600 टोन्स मिलती हैं और 195 आपको रिदम्स मिलती हैं, और यहीं पर अगर बात करें यामा की, तो यामा में आपको 574 यानी कि 574 टोन्स मिलती हैं, और रिदम का इसमें कुछ मैंसन नहीं है, जो कि रिदम समथिंग इसमें 165 आपको मिलती है। यानी कैशियो के अंदर आपको 600 टोन्स मिलेंगी, और बात करें यामा के अंदर तो यामा में आपको 574 टोन्स मिलती है। बात करें रिदम्स की, तो कैशियो में आपको जो है 195 रिदम्स मिलती हैं, और बात करें यामा की तो यामा में आपको 165 रिदम्स मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में ही टच रेस्पॉन्स है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोनों में रजिस्ट्रेशन मिलता है सेम, 4 इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम एक एक में, यानी जो टोटल बैंक है वो 8 बैंक हैं, और एक बैंक में आप 4 टोन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि यामा में भी सेम है। ऑक्स केबल का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑक्स केबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि आप मोबाइल से, हम थिएटर से, लैपटॉप से कुछ भी उसमें प्ले कर सकते हैं, जो कि आउटपुट आप अपना जो है कैशियो पर ले सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल, और जो आपको इसका डिस्प्ले साइज़ है, जो कि कैशियो का डिस्प्ले साइज़ है और जो यामा का डिस्प्ले साइज़ है, दोनों में फ़र्क है। जो कैशियो का डिस्प्ले साइज़ है वो बड़ा है, और जो यामा का डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा है। यामा की डिस्प्ले साइज़ का जो कलर है वो येलो है, और जो कैशियो की डिस्प्ले साइज जो डिस्प्ले है उसका कलर वाइट है। तो देखने में जो बड़ी जो अच्छी लगती है,
तो कैशियो की थोड़ी बड़ी है और यामा की जो डिस्प्ले है वो छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी जो है कैशियो ही आगे निकलता है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग जो है, वैसे दोनों कीबोर्ड अच्छे हैं, मैं किसी कीबोर्ड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर मामले में इसमें कैशियो ज़्यादा है। कैशियो के अंदर टोन ज़्यादा है, कैशियो के अंदर साउंड सॉर्ट आपको नया मिलेगा, यानी कि जो यामा में है, यामा के अकॉर्डिंग अच्छे साउंड प्रोड्यूस करता है कैशियो। ठीक है दोस्तों, अगर आप जैसे दोनों में से आप कन्फ्यूजन हैं, मतलब कन्फ्यूज हैं कौन सा लें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कैशियो लें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैशियो ले सकते हैं या हमें ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है कैशियो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैशियो जो है छोटे यूजर्स के लिए ज़्यादा बनाता है। आपने देखा होंगे यामा के जो है 10,000 से नीचे के बहुत ही कम आएंगे, लेकिन कैशियो के 10,000 से नीचे के बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं। अगर आप बड़ा कोई कीबोर्ड लें तो रोलैंड ले सकते हैं या यामा ले सकते हैं। कैशियो के भी बड़े आते हैं, लेकिन 20,000 की रेंज से नीचे नीचे जितने भी कीबोर्ड सजेस्ट करूंगा वो यामा के ही बेहतर रहेंगे दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे कंपैरिजन है, तो सभी कीबोर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हैं तो थोड़ा बहुत फायदा हमें भी हो जाएगा और शायद आपको भी डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई पर्सनल जानकारी इनके बारे में चाहिए तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या वहाँ पे आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा और वहाँ पे आप मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सारे कंपैरिजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मुझसे कोई रह गया हो या कुछ इसमें छूट गया हो तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आप कैशियो का लेना चाह रहे हैं, अगर आपने दोनों में से डिसाइड कर लिया है कि यामा में से या कैशियो में से कौन सा लेना है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको कैशियो लेना है, तो जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि कैशियो का जो CTX 700 है, यानी कि कैशियो का जो 700 है और कैशियो का दूसरा वाला जो 870 IN, तो इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो उसका मतलब उसमें जितनी टोन है, टोन जो है सेम है, रिदम भी सेम है, डिस्प्ले साइज भी सेम है, कीबोर्ड का साइज भी सेम है, यानी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें जो है पिच बेंडर नहीं है। पिच बेंडर का आपको यूज़ पता होगा किस लिए होता है, जैसे लगाटो टाइप का यूज़ करने के लिए होता है। अगर आप एक बिगनर हैं और आप लेना चाह रहे हैं कैशियो का जो CTX 700 समथिंग 10,000 तक का मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपको पिच बेंडर की ज़रूरत नहीं है तो आप कैशियो का जो CTX 700 वो भी ले सकते हैं, तो आपको कम से कम 3,000 रुपये बच जाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जिसको बाय कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम वगैरह पे सभी जगह आप मुझे फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, कोई भी आपको पर्सनल जानकारी चाहिए वहाँ पे आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।